और जो जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो इन दो ब्लॉक से दो ऑफिस से न जाने कहाँ कहाँ पहुंचे, पूरी बिल्डिंग इनकी हो जा रही है। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दो शब्द पंकज भाई और अनु भाई ने जो कहना था वो कह दिया। जीतू हमारे संगीत के परिवार का एक बहुत ही प्यारा सदस्य है और पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं कि जीतू की खास बात यह है कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी डेडिकेटेड, और ये उसी का नतीजा है कि वो हर दिन कुछ न कुछ नई बात सोचता है और उसे मुकम्मल करके छोड़ता है। तो मैं जीतू को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये शुभकामनाएं हैं मेरी कि ये आपका फनकार जो ये स्टूडियो, ये रिहर्सल हॉल है वो खूब चले। और जैसे अनूप भाई ने कहा कि भगवान करे कि पूरी बिल्डिंग में आप छा जाओ, बस ये हमारी शुभकामना। जीतू भाई आपको और साथ में पूर्णिमा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जीतू भाई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि इस एरिया में अच्छे साउंड प्रूफ रिहर्सल हॉल नहीं थे। मैं हमेशा सोचती थी कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और अब तो फ्री का मिल गया मेरा क्योंकि उन्होंने मुझे फोन कर दिया कि तुम्हारा ही है ना, तुम्हें चलाना। मुझे कहना, मैंने कहा ठीक है, कल का ही डेट मेरा ही। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं इसमें ओपन करने के लिए। जीतू शंकर के बारे में क्या बताऊं मैं, मुझे कुछ जानता ही नहीं। 28 साल से कोशिश कर रहा हूं जानने की, लेकिन अभी तक नहीं जान पाया। जोक्स अपार्ट, अनूप, पंकज और ऋषा ने जो बताया बिल्कुल सही है। मैं, मेरी दिल से दुआएं हैं कि आप कामयाब रहें। और मैं तो एक और आगे बात कहूँगा कि बिल्डिंग क्या, सारी बिल्डिंग्स आपके हो जाए जी। गौर भाई, आप इनके साथ साथ सारी सारा ये लक्ष्मी इंडस्ट्री स्टेडियम हो गया, आप ही का है। और ऐसे चार सॉरी, तो बात ये है कि जैसे कि ये रिहर्सल हॉल जो है बहुत खूबसूरत है और मैं एक शुरुआत है तुम्हारी, बस नए कदम रखें और आगे बढ़ते जाएं, ये मेरी दुआ है। Congratulations and our best wishes always with you. You're amazing talent. जी हाँ, मैं इतना ही कहूँगा कि जीतू शंकर जी हमारे परिवार के सबसे लाडले और चहेते स्टार हैं और मैं समझता हूँ संगीत की दुनिया का ये वो सितारा है कि इन्होंने जिस भी चीज़ में हाथ डाला, ईश्वर ने, भगवान ने, माता की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, ये हमेशा सक्सेस रहे। और जब मुझे पता चला कि इन्होंने एक हॉल ही नहीं बल्कि इसके अलावा इनका खुद का स्टूडियो भी है, बहुत ही खुशी हुई। और हम सभी लोग तहे दिल से ये चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी और आगे बढ़े। और ऐसे वाकई में एक बिल्डिंग नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एरिया ही पूरा इनका मतलब शंकर जी के नाम से जाने जाए। थैंक यू। मैं आया हूं जीतू शंकर जी के इस स्टूडियो फ़नकार के मुहूर्त पे। बहुत खुशी हुई मुझे, जीतू जी ने ये एक बहुत खूबसूरत स्टूडियो बनाया है जो कि सारे कलाकारों के लिए बहुत ही एक सेंटर प्लेस में बनाया है अंधेरी में। और जीतू मेरे छोटे भाई हैं, उनके तरक्की देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश हिम
बेस्ट ऑफ लक उनको मैं बोलूँगा और शुभकामनाएं दूंगा अपनी तरफ से। यहाँ पर जैसे इन प्लानिंग्स हैं इनकी कि इंस्टीट्यूट खोलेंगे, क्लासेस खोलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स वेरी नाइस। संगीत का प्रचार प्रसार होगा और लोगों को सही संगीत सीखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड थिंग। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जीतू शंकर जी और उनके पार्टनर्स अशोक जी को, पूर्णिमा जी को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फनकार एक मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग है आर्टिस्ट के लिए। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिहर्स कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, और यहाँ पे इट्स एन अकेडमी, वी कैन लर्न ऑल्सो। सो ये आई थिंक इन दिस पार्ट ऑफ मुंबई ऐसी जगह की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत थी। एंड आई विश जीतू शंकर ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो इतने बिसाइड म्यूजिक वो अपने ही थिंग्स बियॉन्ड हिमसेल्फ। सो आई थिंक दिस अ वंडरफुल थिंग दैट यू डूइंग अनटू अदर्स, जब आप अपने स्किन में से निकल के औरों के लिए कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक एंडेवर फ्रॉम हिज साइड, एंड कंग्रेचुलेट जीतू जी, हिज पार्टनर्स, पूर्णिमा जी, एंड आज इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग इतने बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट, लेजेंडरी आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं, एंड आई फील रियली प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस दिस लॉन्च, एंड या ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेस है फनकार स्टूडियो के साथ, और डांसर्स कोरियोग्राफर के भी स्टूडियो अंदर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ऐसे स्टूडियो फ़नकार, फ़नकार का मतलब आप खुद ही जानते हो कि फ़नकार एक ऐसा फ़न है जो कलाकारों में रहता है, और ये इनिशिएटिव हम दो परिवार मिलके किए हैं, मेरी पूर्णिमा जी, अशोक जी, मैं, मेरी वाइफ संतोष, वो कहाँ दिख नहीं रही है, पर हम, अशोक जी भी आ रहे हैं। हम लोगों ने इस इनिशिएटिव को ये समझ के किया था कि रिहर्सल हॉल, जैमिंग हॉल, डांस के लिए फिर ये एकेडमी भी है हमारी, जिससे हम लोगों को फोक म्यूज़िक, फोक डांस, क्योंकि आज तक फोक डांस और फोक म्यूज़िक को लोग सिखाते नहीं हैं, ये लुप्त होती जा रही है, तो ये इस मंच पे हम लोग फोक म्यूज़िक, पूरे हिंदुस्तान का फोक म्यूज़िक, फोक डांस जो यहाँ हम सिखाएंगे, तो ये एक इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि मैं खुद एक जयपुर घराने से हूँ, डांस के घराने से हूँ, तो म्यूज़िक तो है ही और डांस तो है ही, तो ये इनिशिएटिव किया, और मेरे पार्टनर्स अशोक शेखानी जी और पूर्णिमा जी, इनका दोनों का सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था ये करना, ये मुमकिन नहीं था कि हम लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं। आई वॉन्ट टू थैंक बॉटम ऑफ माई हार्ट माई डियर अशोक भाई एंड पूर्णिमा जी फॉर रियली, कि हम लोग ने जो मेहनत की वो आज जितने बड़े लोग आके मेरे दोस्त कलीग्स आए हैं बधाई दी हैं, सो मेरा दिल और भर गया है। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस जगह को आप अपनी जगह समझिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी जगह क्यों बोल रहा हूँ, कि जो कलाकार फ़न का माहिर है, फ़नकार नाम क्यों रखा है फ़नकार, उसके लिए ये खुला है दरवाज़ा, जिसमें लोग सीख सकते हैं, आके अपना काम कर सकते हैं, आके अपना डेमोंस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ हॉल है। आज तक वो लाइन पे किसी ने सोचा नहीं था कि मल्टीपर्पज़ हॉल कैसे हो सकता है, पर इसको हमने साउंड प्रूफ करने के साथ साथ हमने उसको डांस और म्यूज़िक एकेडमी में भी किया, और साथ ही हम जो बॉलीवुड है, जिसके लिए मेरी एक और एकेडमी आ रही है, हम लोग ही हैं साथ में उसमें, जीतू शंकर बॉलीवुड आइडल, वो हमारी ईस्ट में आ रही है, जल्दी आ रही है, एंड इट विल बी अ समथिंग डिफरेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू देयर, जहाँ हमारा स्टूडियो भी होगा, ये म्यूज़िक और रिहर्सल हॉल होगा, और वहाँ हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। सो ये दो ईस्ट वेस्ट का हमारा जो भाग हमने बांटा है, तो लोगों को ईजी रहे कि वेस्ट में हम लोग ये कर सकते हैं, फोक म्यूज़िक, फोक डांस कर सकते हैं, और ईस्ट में हम लोग जीतू शंकर बॉलीवुड आइडल जो हमारा एकेडमी आ रही है उसमें हम बॉलीवुड, सूफियाना, इंस्ट्रूमेंटल, फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है, और मैं आप पूरी मीडिया का, प्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ऑलवेज सपोर्टिव रोल अदा किया, नंदिनी का,
अनुषा का, सबका. आई वॉन्ट टू थैंक देम एंड ऑल द टीम हियर ऑलवेज बीन सपोर्टिव. एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट पूर्णिमा जी टू से सम फ्यू वर्ड्स. संतोष, सब ने इतना कुछ कह दिया, बस बहुत छोटी सी एक इच्छा थी कि कभी अपना स्टूडियो और जीतू शंकर जी के सहयोग से बहुत जल्दी पूरी हो गई. मैंने सोचा नहीं था, भगवान करे आगे ऐसे बस अच्छे से चलता रहे. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है इनको, इनके काम के लिए, और जो भी इनकी इच्छा है सब पूरी हो, यही मेरी विश है. ये सब हार्ड वर्किंग है इन दो महान अनुभव का, हम तो दोनों करते जाते हैं. बहुत सालों से इच्छा थी कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो, अंधेरी वेस्ट में हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं. तो हमने अपना बेस्ट एफर्ट किया है कि भी लोगों को अच्छी सुविधा मिले, सब कुछ मिले. बाकी देखो क्या. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डैड कि उन्होंने इतना, ये और सिकानी अंकल आंटी, उन लोगों ने साथ में एज ए जॉइंट वेंचर करके दे हैव कम अप विद दिस थिंग कॉल्ड फनकार, जो कि विच इज़ अ डांस रिहर्सल हॉल, विच इज़ अ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ और काफ़ी चीज़ें हैं. तो मैंने देखा है डैड को, उन्होंने लास्ट काफ़ी महीनों से वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. ही वॉज जस्ट वर्किंग हियर एंड देयर, बाकी काफ़ी सारे पोस्ट प्रोडक्शन बैकिंग चीज़ें वो सब चल रही थी. एंड फाइनली टुडे लॉन्च्ड, एंड तीनों लेजेंड, पंकज जी, अनूप जी, तलत अंकल, तीनों ने किया है. दैट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग. एंड बहुत ही स्पेशल डे है आज, बहुत ही स्पेशल फीलिंग्स है. So I am really giving all the best to all the team members who are around. I want to congratulate my dad and uncle, and may this rehearsal hall, this jamming room always be busy, hamesha 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 busy rahe. Aur main thank you bolna chahta hu hamare teen legends ko jo yahan aaye, Anup uncle, Talat uncle aur Pankaj uncle, Richa didi, Shivani ji and many more. And sab legends ka aashirwad hai, in sab badon ka aashirwad hai. Things are going good and good and good in a good way. So thank you so much, and I hope you guys really like this. Really, really, really like this recital. Thank you.